हेलो गाइस, मैं खुशी आपका स्वागत करती हूँ द न्यूज टॉक चैनल में। आज मैं आप लोगों को एक बहुत ही अजीब सा मामला सुनाने वाली हूँ। एक्चुअली एक मुर्दा चिता से उठ के खड़ा हो गया और उसने यमलोक का रास्ता बताया। उसने बोला कि गलती से पकड़ ले गए थे। चलिए जानते हैं क्या है ये पूरा मामला। कभी आपने भी कभी सुना हो या आपके ऐसे यहाँ वहाँ पर कभी हुआ हो आजू बाजू में कि कोई बोल रहा हो कि यमलोक वो जाके आया है और फिर भी वो जिंदा है। बताइए जरूर अपना एक्सपीरियंस कमेंट बॉक्स में और इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए और चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। तो शुरू करते हैं आज की न्यूज। यूपी के फिरोजाबाद से हमारे सामने ये मामला आ रहा है जहां पर ज्ञान सिंह की मौत हो गई। 70 साल की हैं और जब सुबह उनकी मौत हुई तब उस दौरान ही परिवार वाले काफी ज्यादा दुखी दुख में थे और उस दौरान सब लोगों को बुलाया गया कि उनकी मौत हो चुकी है। सब आजू बाजू के लोग और रिश्तेदारों को संपर्क किया गया और रिश्तेदार शाम तक वहां पर पहुंचे और शाम को 4 बजे के करीब उनको अंतिम संस्कार के लिए लेके जाया जा रहा था। उसी दौरान अचानक से ही उनकी डेड बॉडी के ऊपर अचानक से छाले आने शुरू हो गए। ये चीज देख के लोग काफी ज्यादा हैरान हो गए कि ये सब चीजें क्या हो रही है। जब वो हैरान हो रहे थे उसी दौरान कुछ मिनट्स के बाद ही वो उठ के खड़े हो गए चिता में से और जब ये सब चीजें देखी तब लोग डर गए। जहां पर लोगों को खुश होना चाहिए था वहां पर लोग काफी ज्यादा डर गए। अगर आप उस जगह पर होते तो आप डरते या खुश होते बताइए जरूर कमेंट बॉक्स में। यहां पर तो ज्ञान सिंह के परिवार वाले काफी ज्यादा डर गए थे और उसके बाद जब ज्ञान सिंह थोड़ी बहुत अच्छी हालत में आए और सब लोगों को थोड़ा बहुत पता चला कि ये जिंदा हो गए हैं तब उन्होंने बिठा के उनसे बात की और बात करते हुए तब ज्ञान सिंह ने ये चीज बताया कि मुझे 3 लोग यमलोक से आए थे 3 लोग और वो मुझे उठा के ले गए थे। वहां पर बड़ा सा सोने का द्वार था और उसके बाहर भी 2 लोग खड़े हुए थे और मुझे अंदर भेजना चाहते थे और भी मुर्दे थे वहां पर मैं अंदर नहीं जा पा रहा था। तो एक आदमी आया और मेरे ऊपर गरम गरम पानी उसने डाल दिया जिसकी वजह से मेरी बॉडी में पूरे के पूरे छाले हो गए और अभी तक भी मेरी बॉडी अंदर से जल रही है। ये चीज सुन के वहां पर लोग काफी ज्यादा हैरान हुए और हैरान होने के बाद ये चीज पता चला कि एक्चुअली में गलती हमसे तो होती है और साथ साथ के यम लोगों से भी ये गलती होती है और वो लोग भी कभी कभार गलती से किसी को उठा के ले जाते हैं। और आपने काफी सारे ऐसे किस्से सुने होंगे, ये किस्सा पहला नहीं है, ये किस्से बहुत सारे हैं और बहुत सारे लोगों का कहना ये है कि ऐसा होता है और वो वहां पर जाके आए हैं। तो गाइस अगर इससे पहले भी आपने ऐसा कोई किस्सा सुना है तो बताइए जरूर कि सच में यमलोक का जो ये पूरा मामला है क्या ये सच है या लोग सिर्फ ऐसे ही बनावट करते हैं। अगर वो मर गए थे एक्चुअली में उनके सांसें नहीं चल रही थी तो फिर वो जिंदा कैसे हो गए, तो वो जिंदा होने के बाद ये सब चीजें बता रहे थे। कहीं ना कहीं ये भी सच्चाई है पर ये साइंस से बिल्कुल परे है। ये एक चमत्कार के रूप में हमारे सामने आती है और आप लोगों को पता है कि हमारे चमत्कार हमारी धरती पे हमेशा कहीं ना कहीं होते ही रहते हैं। अगर चमत्कारों पे आप बिलीव करते हैं तो कमेंट जरूर कीजिए और साथ के साथ एक लाइक ठोकते हुए जरूर जाइए। इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाजत। बाय बाय, टेक केयर, नमस्कार।